ई रिक्शा देखने को बहुत कम मिल रहा है अभी। अभी तो बहुत लोगों के पास लाइसेंस नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, अभी तो खाली लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन चेक हो रहा है, इसीलिए सब मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है। जिसका नहीं है वो चल गया, भाग गया सर, आ गया, उसका फाइन हुआ है, लाइसेंस का 5,000 रुपये का फाइन हुआ है। मतलब जिसका डीएल नहीं है उसका 5,000 का फाइन हुआ है, जिसका नंबर प्लेट नहीं है उसका उसका 500 रुपये का फाइन हुआ। अगर पेपर है उसके पास तो नहीं कराया है तो उसको हम लोग को बहुत लोग जब्त करके रखे हुए हैं अभी। अच्छा जी, अगर तक अच्छा गाड़ी चलाते हैं तो सीट बेल्ट लगाए थे वहाँ पर निकाल दिए थे। डीएल है कि नहीं? डीएल है लेकिन घर फोटो है। और आपको बता दें अभी हम हैं अम्बेडकर चौक गोपालगंज में, जो देख सकते हैं यातायात थाना गोपालगंज के पास मौजूद हैं, और यहाँ पे लगातार बाइक चेकिंग या ई रिक्शा चेकिंग चल रहा है। और बता दें यहाँ पे आपको ई रिक्शा दिखने को बहुत कम मिलता होगा, और कहीं ना कहीं ये जो चौकसी है और चेकिंग है इसके वजह से जिसके पास नंबर प्लेट नहीं है, डीएल नहीं है, वो लोग नपाता है, और नपाता इसलिए है कहीं ना कहीं चेकिंग चल रहा है इस वजह से। सर सबसे पहले जानना चाहेंगे ई रिक्शा चेकिंग हो रही है जी, और देखा जाता है तो ई रिक्शा देखने को बहुत कम मिल रहा है अभी। अभी तो बहुत लोगों के पास लाइसेंस नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, अभी तो खाली लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन चेक हो रहा है, इसीलिए सब मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है। जिसका नहीं है वो चल गया, भाग गया है सब, और जिसका है पकड़ा गया, उसका फाइन हुआ है, लाइसेंस का 5,000 रुपये का फाइन हुआ है। मतलब जिसका डीएल नहीं है उसका 5,000 का फाइन हुआ है, जिसका नंबर प्लेट नहीं है उसका उसका 500 रुपये का फाइन हुआ। अगर पेपर है उसके पास तो, अच्छा अगर रजिस्ट्रेशन कराया ही नहीं हो, नहीं कराया हो तो उसको हम लोग को बहुत लोग जब्त करके रखे हुए हैं अभी। अच्छा जी, अगर देखा जाए तो बाइक चेकिंग अभी चल रही है कि नहीं? नहीं अभी चेक चल रहा है, चल रहा है जी। काफ़ी लोग अगर देखा जाए तो पहले से हेलमेट लगा के चल रहे हैं। हाँ लगभग 80% लोग अब हेलमेट लगा रहा है, 20% है जो बाहर से आ रहा है उसको जानकारी नहीं है, वही नहीं लगा रहा है। अगर देखा जाता है तो आज दिन भर में कितने चालान अभी तक कट गया है? अभी तक लगभग हम लोगों ने 30 मोटरसाइकिल का कटा है हेलमेट का, और 15 से 20 का भी कटा है, ई रिक्शा का भी कटा है। हाँ तो ई रिक्शा वाला चेकिंग कब से चल रहा है? ई रिक्शा का तीसरा दिन है। तीसरा दिन जी, तो लगता है कि दूसरा दिन फर्स्ट दिन लोग ज़्यादा आज दिख ही नहीं रहा है। आज दिख नहीं रहा है, कॉलेज से नहीं दिख रहा है, आज जो नहीं जा रहा है बाहर से आ रहा है वही बस दिख रहा है। अगर आप लोग भी बिना हेलमेट के चल रहे हैं, और आपसे बता दें यहाँ पे जो एक चौराहा है और एक गोलंबर है जो भीमराव अंबेडकर गोलंबर है, और अंबेडकर चौक के नाम से इस मोड़ को जाना जाता है। और यहाँ पे बता दें यहाँ पे जितने सारे यहाँ पे कर्मचारी हैं और ट्रैफिक पुलिस है, यहाँ पे यातायात थाना है, और यहाँ दिखाइएगा यहाँ पे चेकिंग चलता रहता है, ये नहीं कि एक दिन चलता है, डेली चलता है यहाँ पे, और कोई भी बिना हेलमेट के जाता है उसको पकड़ा जाता है, और हेलमेट के साथ साथ जो बाइक चला रहे हैं उन लोग के लिए है। लेकिन आज 3 दिन से आपको ई रिक्शा यानी बैटरी वाला ई रिक्शा को पकड़ा जा रहा है, और कहीं ना कहीं वो भी चलान के भागी बन रहे हैं। और देख सकते हैं यहाँ पे जो एक गाड़ी को फिर यहाँ पकड़ा गया है, और देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी बिना नंबर प्लेट हो या डीएल नहीं हो, सेफ्टी बेल्ट या सीट बेल्ट नहीं लगाए हैं, उनको पकड़ा जा रहा है। तो दिखाइए यहाँ पर बाबू लाइसेंस है तो सर यहाँ पे क्या हुआ है? ये गाड़ी है इसमें लाइसेंस नहीं है, सीट बेल्ट नहीं लगाया है। अच्छा, अभी इनका फाइन होगा 6,000 रुपये का। 6,000 का हो जाएगा? 5,000 लाइसेंस का होगा, 1,000 सीट बेल्ट का होगा। अब सीट बेल्ट नहीं लगाए थे? नहीं सर, भूल गए थे। अच्छा गाड़ी चलाते हैं तो सीट बेल्ट लगाए थे वहाँ पर निकाल दिए थे। डीएल है कि नहीं? डीएल है लेकिन घर फोटो है, फोटो है, फोटो डीएल का? हाँ नहीं, मोबाइल में तो नहीं है, घर पर छूट गया। अरे कैसा ड्राइवर हो भाई, फोटो तो रखना चाहिए ना। आप देख सकते हैं कि अगर गाड़ी चला रहे हैं तो डीएल रखें ना कि फोटो रखना चाहिए दिखाने के लिए। अगर हार्ड कॉपी नहीं है तो कुछ तो होना चाहिए, आप गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक ड्राइव से कितने को जान चली जाएगी या कितने को जान बच सकती है, तो डीएल होना अत्यंत ज़रूरी है। या कभी भी किसी गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं तो डीएल होना महत्वपूर्ण है। और बता दें आपको खासकर जिसका डीएल नहीं है 5,000 रुपये का फाइन है, और 5,000 रुपये का फाइन उनको भर सकती है, और डीएल नहीं होगा तो, अगर डीएल होगा तो छूट सकते हैं, लेकिन डीएल जब नहीं होगा, बोल रहे हैं ना पास में है, घर पे है, तो घर पे है तो अगर आ जाता है तो ठीक है, कितना लोग झूठ भी बोलते हैं कि घर पे है, छूटने के बहाने से नहीं होगा तो 5,000 का फाइन आज तो होने वाला है, और 1,000 सीट बेल्ट का यानी 6,000 का टोटल फाइन उनका होने वाला है। और
तमाम ऐसे खबरें गोपालगंज से आप लोगों को देते रहेंगे। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। मैं रमेश वर्मा, जय हिंद।